कैसे आप सभी लोग, मैं देवेंद्र अग्रवाल। आज आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास में मीडियाटेक के सीपीयू का फ़ोन आता है और डेड फ़ोन में आता है तो आप उसको कैसे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, उसका पूरा एक प्रोसेस होता है, एक बूट सिक्वेंस होता है। हर एक पावर एक बूट सिक्वेंस बनाती है जो कि सीपीयू और उसकी मिमसी या उसकी यूएफएस के साथ होता है। उसको पढ़ने के लिए हमको स्टेप टू स्टेप हर सेक्शन को समझना ज़रूरी होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमने सिर्फ डैड फ़ोन उठाया और हमने डैड ही पढ़ा। हमें हर स्टेप, हर एक छोटे छोटे सेक्शंस के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि कौन सा सेक्शन उस बूट सिक्वेंस में इंक्लूड होता है, किस सेक्शन में उस बूट सिक्वेंस के पावर होते हैं, वो सब कुछ जानने हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें ज़रूरी होती है। क्योंकि एक किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप आईसी निकालना और लगाना तो सीखें, बट आप अगर बूट सिक्वेंस भी सीखते हैं तो आप एक प्रॉपर मोबाइल फ़ोन बनाने काबिल बनते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ऐसे टेलीकॉम के अंदर, आप ये सारी चीज़ें सीखते हैं और आप हमें फेसबुक जाके लाइव देख सकते हैं, नीचे लिंक आपको दी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं आपको बूट सिक्वेंस नहीं पढ़ा रहा है। ये वीडियो एक बहुत छोटा वीडियो है। अगर आपके पास मीडियाटेक का फ़ोन आता है तो किस तरीके से अपनी पावर या किस तरीके से अपने सीपीयू को कन्फर्म माने कि वो एक सही आईसी है, एक ओके है, या वो एक डैमेज हो चुकी है, क्या हमें उसको चेंज करना है विदाउट डीएसओ, और हमें कैसे हम उसको पता चलेगा। तो कुछ दो तीन ऐसी सप्लाइयाँ होती हैं जिनको अगर आप डायरेक्टली चेक करो, अब मैं इसको स्कीमेटिक में भी बताता हूँ, जिससे आप डायरेक्टली आप अपनी आईसी को, पावर आईसी को, अपने सीपीयू को आप ये बता सकते हो, हाँ ये मेरा ओके है, मुझे किसी और सप्लाई पे काम करना है। हो सकता है पावर के अंदर जीआर पे शॉर्टिंग हो सकता है। देखो बहुत सारे टर्म्स होते हैं डेड फोन के, बट अभी ये दो सप्लाई आपके दिमाग में होगी तो आपको एक आसान होगा कि मुझे डायरेक्ट इन सप्लाई में जाना है, अगर आप स्कीमेटिक के थ्रू वर्क करते हैं तो। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हाउ टू चेक पावर आईसी। सबसे पहले हम चेक करें कि पावर आईसी को कैसे चेक करते हैं। दोस्तों पावर आईसी को आपको अगर चेक करना है तो सपोज ये आपकी पावर आईसी है और MT635758 59, और जो भी उसके वर्जन में आते हैं वो कोई भी एक आईसी आपके सेट में लगी हो सकती है। अगर आपको इस आईसी पे चेक करना है ना, तो ये आईसी बेसिकली जब आप इसको चार्जर लगाएंगे, समझ रहे हो, आपको पावर की या बूट की दबाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू इंसर्ट योर चार्जर, जब आप चार्जर लगाएंगे तो पावर की अपने एक पैड से एक आउटपुट निकालेगी जिसको ये कहती है RESTB, रिसेट बी। ये रिसेट बी बेसिकली सीपीयू को जनरेट करने के लिए, सीपीयू को बताने के लिए, सिग्नल के जैसे कि सीपीयू को सिग्नल देने के लिए कि हाँ आई एम ओके नाउ, अब आपकी बारी है, अब मुझे अपनी सप्लाइयों को कंफर्मेशन दो। एक कंफर्मेशन सिग्नल होता है। इस पर वोल्टेज की बात करेंगे तो 1.8, आपको यही 1.8 चेक करना है जो कि स्टेबल होना चाहिए। अगर ये वोल्टेज स्टेबल रहता है रिसेट बी क्या, तो आप डायरेक्टली पावर एसी को ये कह सकते हैं कि आपकी मीडियाटेक में पावर है वो बिल्कुल ओके है। अब इस रिसेट बी में आपको टेस्ट पॉइंट भी देखने को मिल सकते हैं टीपी, और आपको रिसेट बी में कोई रजिस्टर भी देखने को मिल सकता है, सपोज 0 ओम का, 1K का, या ये डायरेक्टली आपके पावर टू सीपीयू एक इंटीग्रेटेड सर्किट के जैसे बनती है। इस टाइम पे आपको पावर के अंदर थोड़ा सा ये समझिएगा कि प्रीमैच्योर, जो आप फ्रेशर होगा तो मुझे लगता है कि वो शायद ही कर पाएगा, पर जो सीख के गया है वो जो करेगा। आपको पावर के अंदर इस पैड से एक माइक्रो जम्पर निकालना है और ये माइक्रो जम्पर पर आपको वापस आईसी लगा के फिर चेक करना है कि इस पर 1.8 वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं कि नहीं। सो ये आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, आपके 1.8 जनरेट ना होने के बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ कारण आज भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो इस रिसेट बी को एक और नाम दिया गया है RESTB, सिस्टम रिसेट बी। एक इसको रिसेट बी के अलावा इसको RESTB का भी नाम दिया गया है। तो हम इसे ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा पावर ओके है कि नहीं ओके है। पर आपको मुझे ये भी बताना है कि सीपीयू कैसे डिफाइन करें कि सीपीयू हमारा ओके है कि नहीं ओके है, क्योंकि ये जो लाइन है ये सीपीयू आईसी को जाएगा। तो जैसे ही सीपीयू को ये 1.8 वोल्टेज मिलता है चार्जर लगाने पर, सीपीयू एक रिटर्न में वोल्टेज देता है इसको, जो इसको वही कहते हैं ना कि हमने पूछा हेलो कैसे हो तो सामने से जवाब आया हाँ मैं बहुत बढ़िया हूँ, वैसे ही इसने पूछा रिसेट बी से 1.8 दिया तो ये एक रिटर्न 1.8 वोल्टेज जनरेट करेगा जिसको ये नाम देगा वॉच डॉग।
अगर आपके सेट में वॉचडॉग की सप्लाई 1.8 सीपीयू बना रहा है स्टेबल, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि आपका जो सीपीयू है वो ओके है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि वॉचडॉग के बाद भी ओके हो सकता है, क्योंकि सीपीयू के बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसके जीपीयू, उसके मॉडम, और ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्शन ओके हो तो दूसरा सेक्शन ओके हो, बट इतना कह सकता हूँ कि सीपीयू ओके है। और इस कंडीशन में हो सकता है, इस कंडीशन में 99.9% सीपीयू आपका पोर्ट बनाए, ठीक है। तो वॉचडॉग की सप्लाई आप चेक कर सकते हैं, ये सप्लाई पे भी आपको एक टीपी देखने को मिल सकता है, और नहीं मिलेगा तो आपको पावर आईसी के अंदर एक जंपर निकाल के इस वॉचडॉग की सप्लाई को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों का लगा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वॉचडॉग चेक कर रहे हैं तो आपका सीपीयू भी लगा होना चाहिए और आपका पावर भी लगा होना चाहिए। पर अगर आप रिसेट बी चेक कर रहे हैं, अगर तो आप सीपीयू निकाल देते हैं तो भी आपको रिसेट बी का 1.8 वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। पर मुझे कमेंट करके बताना कि वो वोल्टेज स्टेबल मिलता है कि अप डाउन मिलता है। तो ये अगर जो ये जानता है, और दोस्तों जो अगर ये सारी चीज़ें जानते हैं तो वो ये वीडियो को स्किप कर देना, क्योंकि वो आप लोगों के लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट के लिए हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग में है, जो मोबाइल रिपेयरिंग में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाके 10,000, 20,000, 25,000 में जाके पढ़ते हैं और कम फीस की वजह से फिर बाद में सही से नॉलेज नहीं उठा पाते हैं और बाद में यूट्यूब पर आके ज्ञान ढूंढते हैं। तो ये बच्चे उनके लिए बेसिकली ये वीडियो बनाया गया है। तो जो ऑलरेडी बहुत पहले से काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल, तो देखो 10 साल 20 साल तो ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में जो काम है वो अभी 2-2.5-3 साल से ही किया जा रहा है। तो जो भी डायग्राम पे काम कर रहे हैं, जो सीख कर आए हैं और जो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो कन्फ्यूज़ हैं अभी भी स्कीमेटिक को लेकर कि रिसेट भी क्या होता है और पावर के अंदर ये ऐसी भी कोई सप्लाई होती है कि नहीं। तो आप इस यहाँ से तो समझ गए होंगे। अब लेट मी सो यू इन स्कमैटिक, मैं आपको डायग्राम के अंदर ये चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैंने एक जो मोबाइल लिया है वो ओप्पो का F3 लिया है। यहाँ पर आप उसका PCB देख सकते हैं, ये एक MediaTek वर्जन PCB है। इसके अंदर जो CPU लगा हुआ है वो MediaTek का लगा हुआ है, ठीक है। अब हमें आप जब भी डायग्राम खोल लें तो आपको पूरा डायग्राम यहाँ पर रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पावर के अंदर एक एक पैड ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे कोडिंग लिखना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे कोडिंग लिखूँगा RESET B, रिसेट बी। आप सिर्फ और सिर्फ रिसेट बी बस लिख देंगे यहाँ पर सर्च में, और आप, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूँगा, नोटिस करो, और एंटर मारेंगे तो आपको ये रिसेट बी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर रिसेट भी एक U2001 जो कि यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, ये एक पावर आईसी है U2001। ये आईसी के ऊपर का मॉडल होता है जिसको U से शो किया जाता है, ठीक है। ये इसके एक पैड से बन रही है जो कि एक N6 नंबर का पैड है, जो कि आपको इसमें गिनना आना चाहिए, नहीं आता तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। रिसेट और ये पावर की एक्स्ट्रा PMI, ये सब क्या है, ये सारी सप्लाई को आपको सीखना है तो आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, जैसे ये वोल्टेज बनते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर नाम बदल गया। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है RESET B, और आगे जाके नाम बदल गया System RST B। System RST B जब जाएगा तो रिटर्न होकर वो बन के आएगा वॉचडॉग, और वॉचडॉग 1.8 जो कि CPU की सप्लाई होती है, और वो वॉचडॉग यहाँ पे _IN जो कि यहाँ पर इन हो रहा है। तो ये इस तरीके की कुछ इसकी सप्लाई है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम किसी MediaTek के सर्किट को, डैड फोन को समझना चाहते हैं और उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा एक वीडियो साबित होगा, जिससे आपको आशा करता हो कि काफ़ी नॉलेज मिला होगा। कि जैसे अगर आपके पास कोई फ़ोन आए तो आपने चार्जर लगाकर आपने ये चेक करना है कि रिसेट भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है 1.8, क्योंकि अगर ये रिसेट भी नहीं बन रहा है तो आपने CPU तक जाना नहीं है। हाँ, CPU की वजह से ये रुक जरूर सकता है, आपने CPU उतार के भी ये चेक कर सकते हैं, बट आप रिसेट भी को अगर नहीं बन रहा तो फिर पावर के और भी कुछ बूस्ट सिक्वेंस होते हैं, जैसे VRTC, ऑक्सिलरी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो खोल के बताई जा सकती हैं। बट डायरेक्टली आप अगर सब कुछ बाईपास करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि मेरा पावर पूरा
पूरा ओके है कि नहीं ओके है, तो वो आपको चेक करने के लिए रिसेट बी का ही यूज़ करना पड़ेगा, उसका ही उसको ही आपको चेक करना पड़ेगा। और जब भी हमारा सीपीयू ओके होता है तो वो एक सप्लाई जनरेट करता है 1.8 जो कि वॉच डॉग होती है, जो कि एक सिग्नल के रूप में होता है और वो आपको वापस मिलता है। इन दोनों सप्लाइयों को हम DSO से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर एक का एक साइन वेव, एक अलग ही वेव होता है, उन वेवों को भी समझना होता है। हर एक में आपको कुछ डाटा और क्लॉक जैसे पल्स देखने को नहीं मिलते हैं, तो इन वेव के क्या साइन होते हैं ये भी आपको अगर समझना है तो आप तबीबी के लिए उसके लिए भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी तो आपको ये वीडियो समझ में आया क्या होगा। अगर आप इस वीडियो का प्रैक्टिकल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपका इसका वीडियो का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, जिसके अंदर किस तरीके से अंडर मास्किंग जंपर निकाल के हम 1.8 को चेक कर सकते हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और लाइक नहीं करते हो यार एक लाइक दबा दिया करो, और हमें भी अच्छा लगता है। और कच्चे बादाम वाले सब तो सारे वीडियो लाइक हो रहे हैं, बट जो नॉलेज मिलती है, जिससे ज्ञान मिलता है, उस वीडियो को भी लाइक करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर तुम अपनी माँ से प्यार करते हो तो मुझे लाइक ज़रूर करना, पर ये कहना तो मतलब आज देखो कि हमारी जनरेशन कहाँ से कहाँ जा रही है। बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसा टेलीकॉम बहुत डिसिप्लिन में वर्क करता है, और बहुत डिसिप्लिन और एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स नियम के साथ चलता है, इसलिए हमारे स्टूडेंट का आउटपुट निकलता है। इसलिए मोर देन स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट ना बनके सिर्फ टीचर बन जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि लोग पढ़ना ज़रूर चाहते हैं, बनना ज़रूर चाहते हैं, पर रूल्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं, डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों ये एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ डिसिप्लिन और रूल्स और स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और एक गुरु एक माँ बाप की तरह होता है, उसकी डांट भी माँ बाप की से बढ़कर होती है। पर आप जब तक अगर ये फील नहीं करेंगे तब तक आप ऐसे टेलीकॉम में बिल्कुल मत आइएगा। मैं ये चाहूँगा कि आप ऐसे टेलीकॉम तभी ज्वाइन करें जब आप ये सारे नियम आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, और आपका एक दृढ़ निश्चय फोकस हो, इस रिपेयरिंग की फील्ड में आपको नाम कमाना हो, पैसा कमाना हो, तो ही आप इस ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मौज मस्ती टाइम पास या आपसे भी एक इंटरेस्ट के रूप में यहाँ इस फील्ड में आ रहे हैं, तो ऐसे टेलीकॉम किसी भी प्रकार से किसी भी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं देता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई इस तरह का लोभ लालच या प्रलोभन नहीं दिया जाता है। ना हम किसी ऐसे बंदे को कभी एडमिशन देते हैं जो कर्जे से पैसे लेके आता है, ना कभी ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जिनके पास टूल खरीदने के पैसे ना हो। हाँ, बहुत बार देखा ये गया है कि बहुत सारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो झूठ बोलकर एडमिशन लेते हैं कि टूल के पैसे हैं, बाद में फिर उनके टूल के पैसे नहीं होते हैं। बट उसके बाद भी हम यही कोशिश करते हैं कि कितने से कितने ज़्यादा हो सके उनसे काउंसलिंग हो सके, ताकि अगर वो झूठ कह रहे हैं तो उनका झूठ भी पकड़ा जा सके, और उनको उसी समय एडमिशन ना ही दे तो ज़्यादा बेहतर है, और उन उसी समय उनको अगर एडमिशन ना दे तो ज़्यादा बेहतर है उनके लिए और हमारे लिए भी। दोस्तों इसके अलावा भी ऐसे टेलीकॉम में बेसिकली आप ये सोचिए कि आप आ क्यों रहे हैं, तो ऐसे टेलीकॉम में आपसे पढ़ने आ रहे हैं, और आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ाई होनी चाहिए। तो एजुकेशन अगर आपको वाकई में पाना है, ऐसे टेलीकॉम में आपको वो रियल एजुकेशन मिलेगी, इस बात का आपको मैं वादा करता हूँ। बट आपको भी हमसे वादा करना पड़ेगा कि आपको सारे नियम फॉलो करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू। ओके सर, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? और उसका दूसरी टीम जो थी जो हारी थी वो फिर जीत। यस सर। जीत हार कुछ नहीं है, खेल में मजा आया और सबने खेला। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू।